वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है हमारा दो बैलों की कथा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी गिवन है। अगर आप लोग बस एक बार ये समरी सुन लोगे ना तो आपका खुद का मन करेगा कि आप एक बार बुक उठा के इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ लो। सो देखो, ये जो दो बैलों की कथा है इसमें दो बैल होते हैं, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है मोती और दूसरे का नाम होता है हीरा, ठीक है। अब इन दो बैलों का कोई मालिक भी होगा, तो उसके मालिक का नाम था जूही। अब ये जो दो बैल थे ना, ये बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, ठीक है। जो जूही था वो उन्हें बहुत से खिला पिला के तो मोटे ताजा बैल कर रखे थे। फिर एक दिन क्या होता है, वो जो जूही है यानी कि बैलों का मालिक है, वो उसे अपने ससुराल भेजता है दोनों बैलों को। और उसके जो साला है उसका नाम होता है गया। अब जैसे ही गया उसे उन्हें ले जाता है, तो जूही जो हमारे दो बैल होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारा जो मालिक है उसने हमें बेच दिया, ठीक है। बट फिर भी लोग ऐसे ऐसे करके वो लोग चले जाते हैं गया के घर पे, और जैसे ही गया उनको चारा डालता है वो चारा नहीं खाते, ठीक है। अब गया को लगता है कि ठीक है, एक दो दिन में खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बैली तो है। उसके बाद जो है रात को दोनों हीरा और मोती जो है प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हम लोग जाएंगे जूही के घर पे, ठीक है। हमें रास्ता तो पता ही है, तो रात को वो लोग निकल लेते हैं प्लानिंग करके, अपना प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली। और वो सुबह सुबह जब जैसे ही जूही अपने घर का गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसके जो दोनों बैल थे वो चरनी पे अभी आके खड़े हुए हैं। अभी चरनी क्या होता है, चरनी वो प्लेस होता है जहाँ पे जो भैंसों का गाय भैंसों का चारा बनाया जाता है। सो फटाफट से ना आप उसकी जो उनकी जो मालकिन थी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है नमक हराम है सारे बैल, ठीक है। तो वो जो है नौकर को ऑर्डर देती है कि तुम ना इन्हें बस सूखा चारा डाल देना, कोई खल बिंदोला कुछ नहीं डालना है तुम्हें। अब बारी आती है कि वो लोग फिर भी ना, मतलब देखो गया के घर पे तो उन्होंने इतना अच्छा चारा मिला था वो नहीं खाया, ठीक है। बट वो लोग ना अपने घर पे आके वो सूखा चारा भी खा लेता है। फिर उसके बाद जूही जो है अपने साले को दोबारा बुलाता है और जो गया है वो उसे ले जाता है दोबारा। अब की बार जो गया है वो उनको बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है, ठीक है, और गुस्से में आके उन्हें ना सूखा चारा डालना शुरू कर देता है। अब जो दोनों बैल थे उन्हें लगता है कि जो गया है हमारा अपमान कर रहा है, तो ना तो सूखा चारा खाते हैं, ठीक है, और ना ही अगले दिन हल जोड़ने से भी मना कर देते हैं। जब गया उनको डंडे मारता है, ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश करता है, तो दोनों बैल मिलकर उसके सारे हलों को तोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो गया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे खाना देना बंद कर देता है। तो उनके पड़ोस में एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, तो वो रात को आती है, ठीक है, और उस दोनों बैलों को एक एक रोटी देती है। अब इतने बड़े बैल हैं, एक रोटी में तो क्या फर्क पड़ेगा, बट फिर भी वो उन्हें प्यार से दिखे तो चुपचाप उसे खा लेते हैं, ठीक है। और जो लड़की है, ठीक है, उसकी मम्मा जो होती है रियल मम्मी, उनकी डेथ हो चुकी होती है। वो अपनी स्टेप मदर के साथ रहती है जो कि उसे बहुत परेशान करती है। सो जो बैल है और जो दो एक लड़की, दोनों बैलों और उस लड़की के पीछे बहुत स्ट्रांग सा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। वो लड़की छुपते छुपाते उनके पास आती है, डेली उनसे बात बात करती है, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, जो दोनों बैल होते हैं वो डिसाइड करते हैं हम लोग दोबारा कि आज रात को हम लोग यहाँ से भाग के जाएंगे। अब क्योंकि बहुत मोटी मोटी रस्सी से बांध रखा था तो बहुत डिफिकल्ट था, तो वो दोनों ना अपने मुंह से ना उस रस्सी को काटने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की आ जाती है वहाँ पे, तो लड़की क्या करती है, उन बैलों को खोल देती है। अब वो जो बैल है उनके साथ, उस लड़की के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग सी बॉन्डिंग बन जाती है। तो वो सोचते हैं कि हम इस लड़की को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो लड़की ने एकदम से आवाज़ लगाती है, मतलब ऐसी नकली में, कि दादा देखो ये बैल भाग रहे हैं। और ये सुनते ही जो दोनों बैल थे वो भाग जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वो भाग जाते हैं तो भागते 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 मतलब बहुत लंबा चौड़ा जो है डिस्टेंस कवर कर लेते हैं वो लोग। उसके बाद वो एक मटर के खेत में पहुंचते हैं और वहां पे खूब एंजॉय करते हैं, मटर वटर खाते हैं, ठीक है। अब जो वहाँ पे ना, फिर उन्हें एक सांड दिख जाता है। अब सांड जो है वो बैलों से काफ़ी हद तक स्ट्रांग था, ताकतवर था, उसकी बॉडी भी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। तो जो दोनों बैल होते हैं वो सोचते हैं कि हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनके दिमाग में आता है कि भले ही हम तो ताकतवर है बट हम लोग नंबर में ज़्यादा हैं तो हम लोग जीत सकते हैं। तो लोगों ने प्लानिंग की कि जैसे ही सांड एक बैल को मारेगा, दूसरा बैल जो है उसके पेट में सींग को गाड़ देगा, ठीक है। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे करके वो लोग जीत गए उस सांड से, ठीक है। उसके बाद जैसे वो दोबारा से मटर वटर खाने लग जाते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं, तो तभी ना वहाँ पे दो इंसान आ जाते हैं, दो उस खेत के मालिक आ जाते हैं। तो वो उन बैलों को बहुत पीटते हैं और उसके बाद वो उन्हें भेजते हैं पशुओं की जेल में, ठीक है। अब पशुओं की जेल में ना बहुत गंदी सिचुएशन होती है ना, वहाँ पे ना तो ढंग से खाना मिलता ना कुछ और मिलता है, ठीक है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है भागेंगे यहाँ से, हमें यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पे खाना ही नहीं मिलता, बिल्कुल दुबले से हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मोती ट्राई करता है, और मोती ना भूख के मारे वो लोग ना मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो उनके दिमाग में आता है क्यों ना हम इस मिट्टी की दीवार को तोड़ के भाग जाएं, ठीक है, हमारे साथ साथ बहुत सारे पशु जो है वो भी बाहर निकल जाएंगे। अब क्या होता है कि
जब वो जो है सींग मारना शुरू करता है तो जो वो जेल थी पशुओं की जेल, वहाँ का जो चौकीदार है वो आके उस बैल को बांध देता है, ठीक है, और उसके मतलब दो चार बारी लट्ठे वट्ठे मार देता है, देन उसे बांध के वो चला जाता है। उसके बाद जो बैल बंध जाता है वो दूसरे को बोलता है कि तुम ना इस दीवार को तोड़ दो ताकि हमारे साथ बहुत सारे और भी जो यहाँ पे पशु हैं वो जो बंदी बने हुए हैं वो सारे निकल के भाग जाए, ठीक है। अब वो लोग दीवार तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो जो है अपनी सारी के सारे जानवरों को निकाल देते हैं, बट गधे नहीं जाते, ठीक है। तो गधे बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, हमें दोबारा पकड़ लिया जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो जो बैल होते हैं उन्हें सींग मार मार के बाहर निकाल के भगा देते हैं। अब एक बैल जो है वो बंधा होता है तो दूसरा बैल ना बोलता है कि नहीं मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब जो दोनों उसके बाद दोबारा चौकीदार आता है तो वो देखता है कि सारे पशु भाग गए, तो वो उन्हें बड़ी बड़ी लंबी लंबी रस्सियों से बांध के उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते, 7 दिन हो जाते हैं ऐसे ही, उन्हें सिर्फ और दिन में एक बार ही पानी मिलता है। अब उसके बाद नीलामी होती है, तो नीलामी होती है तो क्योंकि पहले तो बहुत मोटे तगड़े बैल थे बट अब बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, नाजुक से हो गए, तो नीलामी में उन्हें कोई नहीं खरीदता और लास्ट में उन्हें कसाई खरीद ले जाता है, ठीक है। अब कसाई कौन होता है आपको पता है, ये जो एनिमल्स को मारते हैं उसके बाद उनका नॉनवेज सेल करते हैं, ठीक है। अब जब जैसे वो कसाई उन्हें लेके जा रहा था, कसाई जब उन बैलों को लेके जा रहा था तो वो पीछे से उसे डंडे मार रहा था, ठीक है, और बोल रहा था कि चल चल भाग भाग। तो जैसे वो लोग भाग जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी गाय भैंस मिलती है जो कि बड़ी खुशी खुशी मस्ती में मगन होकर चलती हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि हम लोगों को अब कसाई खाने जाना पड़ रहा है, हमें बहुत जल्दी मार दिया जाएगा। फिर उनके दिमाग में था कि जो रास्ता है जिसपे हमें कसाई लेके जा रही है, ये रास्ता हमारा जाना पहचाना है, और उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना क्यों लगा, क्योंकि वो उनके मालिक यानी कि ओरिजिनल जो मालिक था गया उसके घर का रास्ता था। दोनों बैल कसाई के आगे होके बहुत जोर जोर से भागते हैं और वहां पे जब कि दोबारा से गया के घर की चरनी पे जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गया उन बैलों को देखता है, उनकी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा दया आ जाती है उन बैलों पे, और फटाफट उसे बहुत सारा चारा डालता है, एकदम अच्छे से खल बंदोला जो भी है सब कुछ डाल देता है। अब वो खाना खाते हैं, ठीक है। अब जो कसाई है वो लड़ता है कि ये तो मेरे बैल है, तो वो बोलता है कि नहीं ये मेरे बैल है, ठीक है। तो फिर उनकी थोड़ी बहुत बहस बहस होती है और फिर वो कसाई जो है वहाँ से चला जाता है। अब जो गया था और जो उसकी वाइफ थी यानी कि मालकिन जो थी, वो दोनों ना मतलब वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है कि यार मैंने से अपने भाई को क्यों बेचा, इन दोनों बैलों को क्या हालत हो गई है इसकी, ठीक है। सो यही थी हमारे दो बैलों की कथा की स्टोरी। आप इसमें आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले जो दो बैल थे वो बचपन से साथ रहते थे, फिर उन्हें उनके मालिक ने बेच दिया अपने साले को, वहाँ पे जाकर उन्होंने चारा नहीं खाया, वो वहाँ से भाग के दोबारा अपने मालिक के घर आ गए, फिर उनका जो गया था इनके उस मालिक का साला उसने फिर से ले गया, फिर लोगों ने जो है विद्रोह किया, ठीक है, हल पे नहीं जुड़े और बहुत सारी जो है हरकतें की उन लोगों ने। उसके बाद वो एटलास्ट पशु वाली जेल में चले गए, वहाँ से उन्होंने हज़ारों पशु को आज़ाद करवाया और उसके बाद उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया था एंड देन लास्ट वो अपने मालिक के घर दोबारा पहुँच गए। सो यही थी स्टोरी दो बैलों की कथा। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सो आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक उठानी और फटाफट स्टोरी को समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, आई एम गोइंग टू रिप्लाई योर ईच एंड एवरी कमेंट। उसके बाद बारी आती है कि अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 9th की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए केमिस्ट्री और आई थिंक हिस्ट्री के और इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और भी ज्यादा आपको बहुत जल्दी मैं ये लेक्चर प्लान प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हम किस दिन किस सब्जेक्ट को डील करेंगे और किस दिन आपकी छुट्टी होगी। सो तक अगर आपने बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Stay positive, stay healthy, keep studying. Thank you.